Thank you.
Give a big hand, everyone. Oh.
Dzięki, komory w tym. Thank you.
क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, साइंस का बोलबाला इतना नहीं था। तो ये जो हमारी कामयाबी है, हमारे देश का नाम, हमारे वैज्ञानिकों का नाम इसरो में सबसे पहले, हमारा जो देश है वो दुनिया के देशों में बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में गिना जाता है। आप सभी शिक्षार्थ छात्राएं, आज के विद्यार्थी कल के देश के भविष्य हैं। आप बने कौन? एक वैज्ञानिक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन एक उद्योगपति बनेगा, कौन एक अध्यापक बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, और जो भी हो, हर क्षेत्र में शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा के माध्यम से ही अच्छे बुरे की पहचान, शिक्षा के माध्यम से ही लौकिक और अलौकिक की पहचान, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही होता है। हम शिक्षा के लिए ही आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं वो शिक्षित होने के लिए ही है। हम मात्र यही नहीं कि फंक्शन किया, डांस किया, गाना गाया, स्पीच दी और हो गया। आज के दिन से हमें ये समझ लेनी है कि हमें शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा लेनी है, और इस अच्छी शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना है और अपने देश का और अपना नाम ऊंचा उठाना है। कबीरदास, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, कबीरदास ने भी ये कहा है कि गुरु गोविंद खड़े चाके राम पर बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद यानी भगवान, गुरु शिक्षक, छात्र कहता है मेरे सामने भगवान भी है और शिक्षक भी है, अब मैं किसके पैर सबसे पहले लाऊं, किसके पैरों पड़ूं? वो कहता है धन्य हो शिक्षक, धन्य हो गुरु, धन्य है कि आपने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। अगर आप न होते तो मैं भगवान को नहीं पहचान पाता। तो गुरु और गोविंद में दोनों में जो सम्मान दिया जाता है वो गोविंद से भी बढ़कर के गुरु का नाम है। गोविंद की जो महिमा है वो गुरु से भी, गुरु के लिए ही जाना है, क्योंकि गुरु का जो सम्मान है छोटा मोटा नहीं है। इसकी अगर तारीफ लिखते बैठे शिक्षक की, गुरु की, उस्ताद की, तो रात दिन करते जाएंगे लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगी। फिर कभी कहता है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब मन राय, सब धरती कागज करूं लेखन सब मन राय, सात समुद्र की मत करूं गुरु को मैं लिखा देता है। गुरु की जो महिमा है इसको लेखने लड़ो, सब धरती संपूर्ण जमीन का कागज बना लिया जाए, जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बना ली जाए, सातों समुद्र की स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी कम रह जाएगा। इसलिए आप सभी से मैं फिर समझा रहा हूं आपको, आप कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान कीजिए, शिक्षक के सम्मान के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही कभी आपका कुछ मिला है। इसलिए गुरु का सम्मान करिए, अगर कुछ प्राप्त करना है तो गुरु की महिमा याद रखिए, गुरु ही सबसे बड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर स्पीच। I would like to call the founder of Faizyan Institute, Mr. Sani sir, please come on stage. Students, give a round of applause. बैठा आए, इधर
इसको देखिए ले लिए Thank you.
come on stage. Give a round of applause. Deva Behen. Now we'd like to call Mr. T.M. Agarwal sir to be on stage. Give a big hand. बाकी के बच्चों के पीछे मेरे घर में You are the name, please.
बंद कर दूं